Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel Logic Pathshala. So, आज हम पढ़ेंगे 27 June 2020 की important current affairs की question. So guys, I know, मुझे पता है दो दिन से वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रही है because मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. So उस वजह से आपके दो दिन की वीडियो मिस हो गई है. मैं कोशिश करूँगी कि उन दो दिन के करंट अफेयर्स ही मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको मर्ज करके प्रोवाइड कर दूँ. अब आपको कंटिन्यू मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी रोज, सो डोंट वरी. जिनको डाउट हो रहा था कि मैम वीडियो कब आएगी, तो अब कंटिन्यू आपकी वीडियो चलेगी, ठीक है. सो वीडियो का फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, 10 क्वेश्चन हम करते हैं हर एक वीडियो में. एंड आपको वीडियो का PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. लेकिन प्लीज वीडियो को कंप्लीट एक बार पूरा जरूर देखें. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल. सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज की वीडियो और समझते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, किस सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की? विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था. अब देखिए रसोई यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये योजना का भी जो आप रिलेट करिए खाने से रिलेट करिए, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये योजना क्यों लॉन्च करी गई है? समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है. तो आपको योजना के नाम से ध्यान आ जाएगा, रसोई आ रहा है और रसोई में क्या बनता है? खाना बनता है. तो रिलेट किससे करना? खाने से इसको रिलेट करना, ठीक है. जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत, उन्होंने इस योजना को जो है वो लॉन्च किया है. और इस योजना के लिए जो राज्य सरकार है वो हर साल, क्या बोला मैंने, हर साल 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे इस योजना में. इस योजना के तहत दिन में दो बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. रियायती दर का मतलब देखिए क्या होता है, एक नॉर्मल सा रेट उनसे लिया जाएगा जिससे वो दिन में दो बार उनको खाना दिया जाएगा. और ये मतलब ऐसा करने की कोशिश की जाएगी कि भाई कोई भी राज्य में भूखा नहीं सोए. इसके लिए ही राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये जो इंदिरा रसोई योजना है ये शुरू करी है. बहुत अच्छी योजना शुरू करी है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, और ध्यान रखना, ठीक है. अब अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर. राजस्थान के सीएम का नाम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर का नाम है कालराज मिश्रा. मैं लिख रही हूँ कालराज मिश्रा जो है वो राजस्थान के गवर्नर है. ध्यान रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा. देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो मिस नहीं करना कोई भी क्वेश्चन. आप एक बार वीडियो जो है वो कंप्लीट देखिए, पसंद आए तो आप अगेन वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नेविक GPS उपग्रहों के लिए भारतीय रिसीवर, जिसका नाम क्या है, ध्रुव है उसका नाम, जो भारतीय रिसीवर ध्रुव है ऐसी एक चिप जो है वो विकसित की है. तो किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसे विकसित किया गया है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड द इंडियन रिसीवर ध्रुवा चिप फॉर नेविक GPS सैटेलाइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे के द्वारा इस चिप, इस रिसीवर को जिसका नाम ध्रुव है, इसका नाम ध्यान रखना ध्रुव इसका नाम है, रिसीवर को इसको विकसित किया गया है. अब ये क्या काम करेगा आपको ये पता होना चाहिए. देखिए ये एक रिसीवर चिप है जिसका नाम क्या है, ध्रुव है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन्स और नेविगेशन डिवाइस में हमारे देश के अंदर ही जो स्थान है, मतलब कुछ प्लेसेस होते हैं जैसे हमें कोई रास्ता खोजना होता है तो उसके लिए किया जाएगा. जैसे आपका GPS काम करता है, GPS से आप कैसे करते हो, अगर आपको किसी प्लेस पे जाना है तो आप वहाँ पे सर्च कर लेते हो और आपको एक मैप दिखा देता है. तो ये हमारे देश के ही अंदर आपको जगहों को ढूंढने, आपको रास्ते सर्च करने में मदद करेगा, बिल्कुल GPS की तरह ही, ठीक है. और इसे विकसित किसने किया है, IIT बॉम्बे ने विकसित किया है. बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारे देश के अंदर के ही मार्गों को खोजने में मदद करेगा, आपको आउट ऑफ इंडिया के मार्ग नहीं बताएगा क्योंकि ये हमारे देश के लिए ही बनाया गया है. ध्यान रहेगा किसने विकसित किया है, IIT बॉम्बे के द्वारा. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे से पूछा है, किसे कैंस फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का, किसने, सॉरी
किसने है ये, ठीक है, किसने वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, इंग्लिश में है हु इनॉग्रेटेड द वर्चुअल इंडिया पवेलियन एट केन्स फिल्म मार्केट 2020। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर ने ही इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में दो फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फर्स्ट नाम है माई घाट और दूसरे का, माई घाट जो है वो मराठी फिल्म है और दूसरा है हेलोरो गुजराती, ठीक है, क्योंकि देखिए फिल्म से रिलेटेड है, फिल्म मार्केट से रिलेटेड है, तो दो फिल्मों का यहाँ पे क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, एक मराठी है और एक गुजराती है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब देखिए सिनेमा को, जैसे सिनेमा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, उनके कारोबार जो है उसको उसके लिए मदद मिलेगी, तो उसके लिए ही जो है वो ये किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने ही वर्चुअल इंडिया पवेलियन का जो है वो उद्घाटन किया है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, किस रेसलिंग लीजेंड ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है। विच रेसलिंग लीजेंड अनाउंस इट्स रिटायरमेंट फॉर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा रेसलिंग का एक शो आता है, बहुत ही फेमस शो है WWE, ठीक है, उसका एक उसके एक रेसलिंग लीजेंड ने, जो लीजेंड कहे जाते हैं रेसलिंग की दुनिया में, उन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उनका नाम है अंडरटेकर, द अंडरटेकर, सुना होगा आप सभी ने, आई होप सो सभी ने सुना होगा, मोस्ट ऑफ लोग देखते होंगे उनको। और इन्होंने जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही संन्यास लेने की जो है वो घोषणा कर दी थी। उन्होंने 1990 में WWE में जो है वो प्रवेश किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में वो द डेडमैन के नाम से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, इनका नाम क्या था, अंडरटेकर था। वैसे लोकप्रिय किस नाम से हो गए थे, द डेडमैन से हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब फाइट इस तरीके से करते थे कि भाई सामने वाले को क्या होता था, मार भी सकते थे, तो इसलिए इनको द डेडमैन के नाम से जो है वो इनका नाम जो है वो फेमस हो गया था। और अब इन्होंने जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है, द अंडरटेकर ने। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया, व्हेन वाज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड। सो आंसर इज 23 जून। हर वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 जून 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्यों मनाया जाता है, तो हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया भर में मतलब लोगों को ये उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए कि भाई खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा वो भाग ले, क्योंकि देखिए खेल में कोई उम्र नहीं, मतलब कोई आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई आपका जेंडर भेदभाव नहीं होगा, कोई आपको रिलीजियस के थ्रू भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट के थ्रू भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आप खेलों में हिस्सा लीजिए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जून को। तो देखिए इंपॉर्टेंट दिवस जितने भी होंगे, जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे, उसकी वीडियो हम लास्ट वाले दिन कर लेंगे, जैसे हम हर महीने की करते हैं, तो आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड होगी, सिर्फ आपके साथ हम बने हैं हर टाइम, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है और उसके लिए आपको रेगुलर करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, किस बैंक ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। विच बैंक हैज़ टाइड अप विद 4 इंश्योरेंस कंपनीज टू सेल इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो किसने किया है, यूको बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूको बैंक ने ही देश में ही अपनी शाखाओं के मतलब अपना नेटवर्क के जरिए या फिर अपना जो बीमा उत्पाद है उनको बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया। मैं उनका 4 का नाम आपको बता देती हूँ। पहला है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड है रेलिगियर इंश्योरेंस कंपनी और फोर्थ है स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। इन चारों के साथ जो है वो समझौता किया है यूको बैंक ने। यूको बैंक ने देश भर में फैली अपनी लगभग 3000 शाखाओं में यूको बैंक के खरीदारों को बीमा समाधान की आपूर्ति करने के लिए SBI जीवन बीमा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो मैंने चारों कंपनी का आपको नाम बता दिया। वैसे तो 4 कंपनी का देखिए पूछा नहीं जाएगा, लेकिन
बाई चांस एग्जामिनर का दिमाग ज़्यादा ही चल रहा होगा उस दिन, तो फिर वो पूछ भी लेगा। इसलिए आप उन चारों को ध्यान रख सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगियर इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ये चार कंपनियों के साथ ही यूको बैंक ने अभी हाल ही में समझौता किया है। यूको बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यूको बैंक के जो प्रबंध निदेशक है उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। ठीक है, ध्यान रहेगा। सो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है। सो सेवेंथ क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है, किस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी, जिसका नाम भी दिया गया है माउंट मेरापी, जो भी हाल ही में फट गया है, फटने का मतलब है एक्सप्लोड हो गया है। ठीक है, विच कंट्रीज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज माउंट मेरापी टॉर्न, तो कौन से देश में हुआ है, ये इंडोनेशिया में हुआ है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये ध्यान रखना इंडोनेशिया में हुआ है, और ध्यान रखना इसका नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इंडोनेशिया का कौन सा ज्वालामुखी है जो भी हाल ही में फटा है, तो आपको ज्वालामुखी का नाम भी पूछा जा सकता है, नाम है माउंट मेरापी। ठीक है, इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा कह लीजिए आप एक्टिव ज्वालामुखी, बहुत ज़्यादा सक्रिय है, एक्टिव ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिसमें हर साल जो है वो, हर साल में नहीं मतलब बार बार जो है वो ज्वालामुखी लावा जो है वो उनसे बाहर निकलता रहता है, उन्हें बोला जाता है एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है, ध्यान रहेगा। सो कौन से देश में फटा है, ये फटा है इंडोनेशिया में। सो गाइस ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर, इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता है, ध्यान रखना आप इंडोनेशिया की कैपिटल, काफ़ी बार अगर आपने एग्जाम में नोटिस किया होगा तो बहुत बार इंडोनेशिया की कैपिटल पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एट्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। एट्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत की तरफ से जिम्बाब्वे देश के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ द कंट्री ऑफ जिम्बाब्वे फ्रॉम इंडिया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विजय खंडूजा को भारत की तरफ से जिम्बाब्वे देश में नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है, जो विजय खंडूजा हैं ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं और इन्होंने जो जगह ली है वो जगह ली है आर मस्कुई की, मतलब इनसे पहले जो थे वो आर मस्कुई थे, अब इनकी जगह पे कौन आ गए हैं, विजय खंडूजा आ गए जिम्बाब्वे के। ठीक है, अब भाई जिम्बाब्वे की बात हुई है तो जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं, इसकी राजधानी है हरारे जिम्बाब्वे की, और मुद्रा यहाँ पर डॉलर चलती है जिम्बाब्वे में, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमर्सन, ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम क्या है, इमर्सन है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास पूछा गया है, किस राज्य की सरकार ने अमेज़ॉन को शराब की होम डिलीवरी करने की मंजूरी प्रदान की है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड द होम डिलीवरी ऑफ लिक्योर टू अमेज़ॉन। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ही अमेज़ॉन को शराब की होम डिलीवरी के जो है वो मंजूरी दे दी गई है, मतलब अब आपको पश्चिम बंगाल में आप क्या कर सकते हो, शराब को ऑनलाइन जो है वो मंगा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करके आप उसे घर बैठे ही क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। तो ये किसने किया है, ये किया है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है, पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। ये भी साथ ही साथ ध्यान रखें, आपको हर बार मैं बताती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें, टेंथ क्वेश्चन। तो देखिए टेंथ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस कंपनी ने COVID-19 के उपचार की दवा लॉन्च की है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड COVID-19 ट्रीटमेंट ड्रग। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लेनमार्क फार्मा जो है उस कंपनी का नाम है जिसने हाल ही में COVID-19 की दवा को डेवलप किया है। देखिए पूरी तरीके से वो कोविड को ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि भाई उसका थोड़ा बहुत असर कोविड-19
का जो असर होता है उसको कम करने में ये जो कंपनी ने दवाई बनाई है वो थोड़ी हेल्पफुल है। बिकॉज अभी आपको पता है पूरे तरीके से कोविड की वैक्सीन नहीं बन पाई, कोई दवाई अभी नहीं बनी है, लेकिन ऐसी दवाइयाँ जो है वो बन रही हैं जिससे कोविड का असर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ग्लेन मार्क फार्मा ने ऐसी एक दवा जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च की है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस आज का तो प्रश्न हमारे समाप्त हो गए, आप देख लेते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कहाँ 66 मिलियन साल पुराना जीवाश्म अंडा पाया गया है। वेयर इज द 66 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलिस्ट एग फाउंड, नागासाकी, स्लोवेनिया, लेह या फिर अंटार्कटिका। सो गाइस प्लीज आंसर करें कमेंट बॉक्स में जरूर कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। अब बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपको रोज वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। एंड कभी कभार देखिए ऐसा हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। सो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जो भी उन 2-3 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे मैं आगे आने वाली वीडियोस में ही उनको मर्ज कर दूंगी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% आप बिल्कुल श्योर रहिए। सो बस आप मेरे साथ बने रहे, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो हम मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बने रहें लॉजिक पाठशाला की वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस, एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयर। थैंक यू।